Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear students, today is our class on secondary tillage. So what is secondary tillage? Secondary tillage is done after primary tillage. Primary tillage, jis tarah humne pichle class mein padha tha ki primary tillage tools are used to enhance the soil condition. Agar soil mein nutrients ki kami hai to hum mortar ko use karte hain, isme organic matter aur nutrients add karte hain. अगर इसमें कंपेक्शन है तो वो हम रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सबसॉइलर. अगर इसमें रूट स्टबल्स है या रॉक्स है तो उसको हम डिस्क ग्रो के जरिए रिमूव करते हैं. अगर इसमें इन्फिल्ट्रेशन की कमी है या पोर्स की कमी है या इसमें जो है वाटर जो है वो सही नहीं ठहरता, मॉइस्चर का मसला है, तो इसके लिए हम मोटमोटो और सबसॉइलर को यूज़ करते हैं. तो जब सॉइल में ये मसले हल हो जाते हैं और आपका सॉइल जो है ये हेल्थी हो जाता है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें सीड्स को सो करते हैं. बट बिफोर सोइंग द सीड्स वी यूज सेकेंडरी टिलेज टूल्स. सो दीज इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ फाइन सीड बेड. इनका मेन फंक्शन क्या है कि सीड्स के लिए एक सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इसमें हम सीड्स को सो कर सकें. ओके, इसके फंक्शंस क्या है? पल्वराइजेशन ऑफ सॉइल, ये मैंने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारा समझाया हुआ है. Mixing of soil, eradication of weeds and leveling of soil, और साथ में seed bed preparation, ये पांच काम ये secondary tillage tools perform करते हैं. तमाम tools जो है we use three tools for secondary tillage, cultivator, rotavator and disker, और तमाम जो है यही पांच function जो है ये perform करते हैं. ये तीनों यही पांच function परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं और कुछ जो है वो ज़्यादा इफिशेंट नहीं है. सो अगर हम देख लें तो पाकिस्तान में 90% फार्मर जो है वो टिलेज के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए सिर्फ कल्टीवेटर ही हम यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड टूल. सही है, पाकिस्तान में सिर्फ कल्टीवेटर और रोटावेटर ही यूज होता है टिलेज के लिए, जबकि प्राइमरी टिलेज बहुत ही कम फार्मर्स करते हैं. ऑलमोस्ट 5% ऑफ द फार्मर्स जो है दे आर नॉट डूइंग प्राइमरी टिलेज. तो इसके क्या नुकसान आते हैं कि 30% लॉस हमारा आ रहा है ड्यू टू कंपेक्शन, 25% लॉस आ रहा है हमारा ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर. तो इन दोनों को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल्स जो है वो ऐड करते हैं सॉइल में. सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स और डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, विच इज नॉट सस्टेनेबल. तो हमने सस्टेनेबल होने के लिए क्या करना है, प्राइमरी टिलेज टूल्स जरूर यूज करने हैं, इसके बाद देन वी यूज सेकेंडरी टिलेज टूल्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस ईच टूल इन द प्रैक्टिकल their parts and how they works. Okay, dear students, as you see that this tool is called cultivator. तो हमारे पाकिस्तान में यही टूल जो है वो फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर टिलेज, और यहाँ पर प्राइमरी टिलेज टूल यूज़ नहीं होते. ओके, अबाउट दिस टूल, तो ये देखे ये जहाँ पर ट्रैक्टर के साथ अटैच है, थ्री पॉइंट लिंक, ये इसका फ्रेम स्टैंडर्ड, और जो पार्ट कटिंग करता है उस इसको कहते हैं शॉवल, शावल्स. तो हर एक्सटेंडर के साथ दो शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग लगे होते हैं. इनका काम यह है कि अगर इस शावल के नीचे कोई शॉक आ जाए, पत्थर आ जाए या कोई और चीज़, तो ये इस स्टैंड को उठाता है और दोबारा नीचे रख देता है ताकि ये टूटने से बच जाए. और ये इस तरह से काम करते हैं, ये देखे सॉइल को मिक्स करता है, वीड्स को ख़त्म करता है और एक मज़ेदार सीड बेड तैयार करता है जिस पर फिर हम सीड्स को सो करते हैं. दीज आर द शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग्स. अभी आप देखेंगे, ये देखिए अगर इनके नीचे शॉक आता है या बहुत ज़्यादा इन पर लोड आता है तो ये स्प्रिंग इसको उठाकर फिर दोबारा नीचे रख देता है. और ये देखिए किस तरह वीड्स को ख़त्म कर रहा है और किस तरह से सॉइल को पल्वराइज कर रहा है. डियर स्टूडेंट, दिस टूल इज कॉल्ड रोटावेटर.
तो हमारे मुल्क में ये भी फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर टिलेज पर्पज़। ओके, रोटावेटर जो है ये कल्टीवेटर से थोड़ा सा ज़्यादा इफ़िशेंट है, जिस तरह आप देख रहे हैं ये ज़्यादा पल्वराइजेशन और मिक्सिंग करता है और लेवलिंग भी सही करता है, और ये देखिए एक फाइन सीड बेड तैयार करता है। इसके पार्ट्स जहाँ पर ये ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है, इसको कहते हैं थ्री पॉइंट लिंग, यहाँ से ट्रैक्टर इसको खींचता है। इसका एक दूसरा अटैचमेंट भी है, ये आप देख रहे हैं दिस वन, इसको कहते हैं PTO शाफ्ट या पावर टेक ऑफ शाफ्ट, यहाँ से इसको रोटेशंस मिलती है जिसकी वजह से ये जो इसके ब्लेड्स हैं ये रोटेट होते हैं। ये इसका फ्रेम है सारा, और इसके अंदर एक रॉड लगा होता है जिसके ऊपर एल शेप के ब्लेड्स होते हैं, एल शेप ब्लेड्स, तो यही ब्लेड्स जो है ये कटिंग करते हैं, और इस रॉड को गेंग कहते हैं, GANG गेंग। तो ये देखिए इस तरह, और ये पार्ट भी है इसको कहते हैं लेवलर, ये सॉइल को लेवल में रखता है। तो ये देखिए ये टूल जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा इफ़िशेंट है एज़ कम्पेयर टू कल्टीवेटर। दीज आर द एल शेप ब्लेड्स प्रेजेंट ऑन द गेंग, और ये इस तरह से चलते हैं और सॉइल को नीचे से काटते हैं। ओके, दिस इज द थर्ड टूल, इस टूल को कहते हैं डिस्क हैरो। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये दिस डिस्क हैरो, जहाँ से ये ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है, दिस इज द थ्री पॉइंट लिंक, द फ्रेम, दिस इज द गेंग, और गेंग पर लगे होते हैं डिस्क जो एक्चुअली अपना काम करते हैं पल्वराइजेशन, कटिंग एंड इरिडिकेशन ऑफ वीड्स। इसको हम थोड़ा सा हाई स्पीड के साथ चलाते हैं, ये जो अभी चल रहा है ये इसका नॉर्मल स्पीड नहीं है, अभी आपको ये दिखाएगा कि आपने इसको किस स्पीड के साथ चलाना है। ओके, दिस इज द एक्चुअल स्पीड, आपने इसको इस स्पीड के साथ चलाना है तभी जो है ये अपना काम ये देके सही करेगा, स्लो स्पीड के साथ ये काम नहीं करता। और आप सेकेंडरी टिलेज के लिए ये इतना अच्छा टूल भी नहीं है, सबसे अच्छा टूल जो है वो रोटावेटर है। सो इफ़ रोटावेटर इज़ अवेलेबल सो यूज़ रोटावेटर।